ओम भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानान्जनसललाखया तस्मै श्री नमः श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मयम् ददाति सोपदांतिकं वंदे अहम् श्री गुरुः श्री जूता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्री रूपं शाग्रजातम सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं सात्वैतम शाब्दूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलिता श्रीविशाखा नितांश नमों विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु अद्वैत गदाधर प्रभुनित्यानन्द श्रि अद्वैतगदाधरशिवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे का यु तदालै कृष्णाय कृष्णभक्ताय क्रिष्ण तदभक्ताय नमो नमः हरे कृष्ण तो हम भागवतम के दशम स्कंध से पाठ कर रहे हैं तो आप सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कृपा आशीर्वाद की भिक्षा जिससे यह जो हमने श्रृंखला शुरू की है धारा कार्तिक मास में हम भागवतम तो के दशम स्कंद के विषयों को चर्चा श्रवण आदि करते हैं अनेक भक्तों से कुछ किए हैं कुछ कर रहे हैं और कुछ महान विभूतियां आने वाले हैं तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आप से विनती भी है आंख खोल के जागृत अवस्था में श्रवण करें तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी और भागवतम भगवान का स्वरूप है हम सब जानते हैं और स्कंद हृदय है तो पांच गीत पांच प्राण हैं तो पूर्व राग जो है मिलन से पहले उसको वेणु गीत फिर इस तरह से गोपी गीत प्रणय गीत भ्रमर गीत और युगल गीत ये बहुत श्री परम भगवान श्री कृष्ण के प्राण हैं जैसे कहते हैं शरीर के पांच प्राण होते हैं तो ये पांच प्राण हैं तो आज हम पढ़ेंगे दसम स्कंद के अध्याय 21 श्लोक संख्या एक श्री सुकौवाच इत्थम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यभिषद् वायुना वातम् स गो गोपालकोच्युतः श्री सुको वाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इत्थम् इस प्रकार से, से शरत शरत ऋतु का स्वच्छ साफ जलम जलयुक्त जलयु। पद्म आकर कमल पुष्पों से लदे सरोवर से सुगंधिना मीठी सुगंध से न्यविशत उन्होंने प्रवेश किया वायुना वायु द्वारा वातम चलायमान, चलायमान सहित गो गाय गो गाये गोपालक तथा ग्वाल बाल अच्युत अच्युत भगवान से कृपया दोहराइए शिलो सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार वृंदावन का जंगल स्वच्छ शारदीय जलाशयों से पूरी था और स्वच्छ जलाशयों में खिले कमल पुष्पों की सुगंध वाली वायु से शीतल था अपनी गायों तथा ग्वाल सखाओं सहित अच्युत भगवान ने उस जंगल में प्रवेश किया भागवत के स्कंद के इस अध्याय में इस अध्याय से पहले पूर्व अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन करते हैं बहुत ही शिक्षास्पद अध्याय है वो कभी अवसर प्राप्त हो तो जरूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि वर्षा ऋतु और शरत ऋतु तो शरत ऋतु का वर्णन अभी हो रहा है यह अभी जो समय जो काल है जिसमें हम लोग अभी अतिवाहित कर रहे हैं समय का यह भी शरत ऋतु है तो शरत ऋतु में सब कुछ बहुत ही सुहावना सुंदर मनोहर स्वच्छ होता है अच्छा भी लगता है सबको सबको ये मौसम बहुत अच्छा लगता है तो शुरुआत करते हैं इत्थम इत्थम अर्थात पूर्व वर्णितम ये पूर्व अध्यायों से संबंधित है तो पूर्व अध्याय में क्या है शरत ऋतु का वर्णन हुआ है इसलिए इस शरत ऋतु के शोभा को देख के नायक के मन में क्या आता है तो कथंग भूतंग बना शरत स्वच्छ जलम अर्थात शरदाग में स्वच्छानी जलानी नदी सरोवरा दीनांग यत्र कैसा बन है वो इस वन में शरत ऋतु के कारण स्वच्छ जल है सभी सरोवर में यमुना कुसुम सरोवर पावन सरोवर और क्या मानसी गंगा।, मानसी गंगा ये सब में जल स्वच्छ हो जाता है ये ये काल का प्रभाव है शरत ऋतु में वर्षा ऋतु में जल मटमेला रहता है शरत ऋतु आते ही मिट्टी बैठ जाती है आप देखेंगे जल स्वच्छ हो जाता है तो ये पहले वर्णन कर रहे हैं जैसे जरा सुनिए कि किसी कोई नाटक हो रहा है कोई ड्रामा हो रहा है तो जिसमें नायक पधारते हैं एम सॉरी मतलब जब एक्टिंग करने वाले एक्टर पधारते हैं उससे पहले उसका वातावरण का वर्णन होता है कैसा था वो हीरो एंट्री करने से पहले माहौल कैसा था तो अभी जो नायक हैं आपके सामने दोनों भाई ये वन में प्रवेश करने से पहले उस वन की शोभा का वर्णन हो रहा है जैसे किसी नायक का रंगमंच में प्रवेश से पहले वातावरण का वर्णन होता है उसी प्रकार से नायक शिरोमणि रसिक राज श्री कृष्ण प्रवेश से पहले वृंदावन की शोभा का वर्णन हो रहा है जैसे जैसे शास्त्रों में ये सब शोभा भगवान की लीला कथाओं का वर्णन हो रहा है तो हम अगर अपने मन को मन की आंखों से वो सब देखते हैं तो लीला कथा में प्रवेश कर जाते हैं तो विनती है कि जैसे जैसे यहाँ वर्णन होता है आप अपने मन की आंखों से देखिए वृंदावन की शोभा कैसी है अब तो वृंदावन में रह ही रहे श्री गोवर्धन जी को देखते हैं और जहां भी आप बात करते हैं सुंदर वातावरण तो इस प्रकार से जो वृंदावन की शरतकालीन शोभा को देख के भगवान श्री कृष्ण बिकेम एक्सटेटिक उनके मन में विहार करने के लिए अपने भाई बलराम के साथ और अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ इच्छा जागृत हुई और वन में प्रवेश किए तो वन की शोभा कैसी है सबसे पहले कहते हैं जलम देखिए जल की शोभा कैसी है जल जल जो है जैसे कुसुम सरोवर पावन सरोवर मानसी गंगा आदि यमुना जी ये सब के जल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक सिक्का भी डाल देंगे तो साफ दिखेगा इतना स्वच्छ है और केवल जल स्वच्छ नहीं है सुगंधित कमल उसमें खिले हुए हैं कुसुम सरोवर में इत्यादि सरोवर में सुगंधित कमल उसमें खिले हुए हैं और बहुत अट्रैक्टिव है बहुत आकर्षक है किसको देखने के लिए दृष्टि को और मन को और हृदय को ये सब देखने आज भी आप कुसुम सरोवर जाएंगे कितना सुंदर दिखता है बड़ा सुंदर वो महल जैसा बना हुआ है झांकी और सरोवर भी भरो पानी से भरा हुआ है तो ये जल की वर्णन है उसके बाद वायु कहते हैं ना जलवायु तो वृंदावन की जलवायु का वर्णन हो रहा है शरद ऋतु में वायु कैसा है पद्माकर सुगंधिना जल में जो खिले हुए कमल उस खिले हुए कमल को स्पर्श करके वायु प्रवाहित होती है पद्मा नाम आकर प्रस्फुटम पद्ममय सरोवरादि तेन तत्पर्शे न सुगंधिना कमल सौगंध युक्त न उस सरोवर में कमल जो खिले हुए हैं ध्यान रखिए जितने भी सरोवर में कमल हैं गह गह कमल खिले हुए हैं बहुत सारे कमल रंग बिरंग के कमल खिले हुए उसको स्पर्श करके वायु जब बहती है बहुत ही शीतल और मंद वायु के तीन गुण हैं क्या है शीतल मंद और सुगंध वायु कैसी होनी चाहिए शीतल होनी चाहिए जब शरीर को स्पर्श होते चुगना नहीं चाहिए शरीर को स्पर्श होते ही एकदम आरामदायक होना चाहिए जब आप जैसे आपको गर्मी में एसी लगता है और सुगंधित होना चाहिए और साथ ही साथ मंद मंद बहना चाहिए ऐसा नहीं बहना चाहिए कि धोती ही उड़ जाए एकदम तो धीरे धीरे मंद सुगंध वायु बहता है कि शरीर को बहुत आराम मिलता है तो ऐसा वायु बह रहा था इस वातावरण को देख के श्याम सुंदर लिखा है अच्युत वनंग न्यभिषत प्रविष्टवान अच्युत भगवान श्री कृष्ण वन में प्रवेश किए किसके साथ श्लोक में देखिए सगो गोपाल कह अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ तो गोपाल कह गोपाल कहने से भी स्पष्ट समझ में आता है अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गोपाल कह ये छंद को पूरा करने के लिए कहा गया है एक अर्थ है और दूसरा है क क शब्द का अर्थ है कोमल छोटे छोटे जो टेंडर बॉयस होते हैं भगवान के सखा जो है ना छोटे हैं जैसे हम सुनते हैं छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सोमेर मदन गोपाल छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत कोमल है तो ये सबके साथ अच्युत वन में प्रवेश किए अच्युत शब्द का अर्थ आप जानते ही हैं जो च्युत नहीं होते हैं किससे अपने सौंदर्य से माधुर्य से वात्सल्य से स्नेह से अपनी सखाओं के प्रति जो स्नेह है चाहे किसी से भी अपने पद से कभी च्युत नहीं होते ऐसे अच्युत वन में प्रवेश किए जब वन में प्रवेश किए उसके बाद उन्होंने क्या किया जैसे ही उन्होंने वन में प्रवेश किए उसके बाद क्या किया कि वन कि में जाके किसी कोने में पेड़ के नीचे छुप गए ऐसा नहीं है अवगाह्य दूसरा नंबर श्लोक में कहते हैं अवगाह्य है, प्रविश्य तो वन में प्रवेश करके सह पशुपाल बाल कुसुमित बनराजी कुसुमित बनराजी सुस्मी भृंग दुजकुल दुजकुल दुष्ट सरह सरिन महिद्रम मधुपतिर अवगाह्य चारयन गाह सह पशुपाल बल सुकुज वेणु तो प्रवेश करके अब अवगाह्य प्रवेश करके सह पशुपाल बाल पशुपालय इस यहाँ अर्थ कहते हैं श्रीदामा श्रीदाम सुबलादि गोप बाल गई भगवान के कई सखाए प्रमुख आदि सुबलादि गोपबाली सखा बल बल का अर्थ है बलै न श्री बलदेव बच सहित तो।, तो भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ सखाओं के साथ श्रीदाम सुबल आदि सखाओं के साथ और बल बल, बल बलराम के साथ तो इस श्लोक में भगवान का एक नाम है मधुपति मधुपति किसको कहते हैं यादव वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है मधु और भगवान यदुवंशी हैं तो एक अर्थ है मधुपति कई अर्थ हैं उसमें से एक मधुपति है और वसंत ऋतु को भी मधु कहते हैं आप आपको स्मरण होगा बलराम जी दो महीने के लिए प्रजा आए थे मधु और माधव तो चैत्र मास जो कहते हैं मधु तो वसंत ऋतु के पति हैं भगवान शरत ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं वन में क्या सुंदर वर्णन है और एक रस है मधु बहुत ही स्वादिष्ट रस है और रसो में रसो वही सा भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं इसलिए भी मधुपति हैं भगवान श्री कृष्ण किसलिए प्रवेश किए वन में गहचारयन गोधनानि चारयतु काम गाय चराने के लिए वन में प्रवेश किए और वो वन कैसा था इतने सुंदर शब्दों में सुखदेव गोसाई वर्णन करते हैं आप इस श्लोक के पहले दो पंक्तियों में देखिए कुसुमित बनराजी सुष्म भृंग धृष्ट सरह सरित महा महिध्रम कैसा बन मनोहर पुष्पों से परिपूर्ण बन वृक्ष कि पंक्तियों में मदमत भावरे गुनगुना रहे हैं विभिन्न प्रकार के पक्षियों से कलरव हो रहा है चींची चूचू -ची, कु, -कु। अनेक प्रकार की पक्षियों के कलरभ होते जिससे कि उस वन के सरोवर नदियां और पर्वत सबको ध्वनित हो रहा है फूलों से भरे हुए हैं और भावरे गुंजन कर रहे हैं कोयल सुक और मोर कूजन कर रहे हैं और यह सब ध्वनि जब प्रतिध्वनि होता है वन में तो यह बहुत सुंदर मनोरम वातावरण होता है इसको देखते भगवान ने अपने बेणुम चुकूद बेणु बंसी बजाने लगे ऐसे सुंदर मनोहर वातावरण में नंद नंदन श्याम सुंदर वन में एक शिला के ऊपर बैठ गए बाएं जानू में अपने दाएं पांव को रखे मन की आंखों में देखिए फिर से बोलो बाएं जानू के ऊपर अपने दाएं पांव को रखे और अपने सुंदर नील कमल के पोखड़ों के समान जो उंगलियां हैं उससे बेणू को धारण किए और बिंब फल के समान जो लाल लाल ओठ है उसमें संलग्न किए संलग्न करके वेणु बजाने लगे तो ये सुंदर मनोहर वातावरण को देख के श्री कृष्ण के मन में वादन का इच्छा जागृत है और वेणु बजाने लगे एक तो वन में भ्रमरों का गुंजन दूसरा तोते मयूर कोयल आदि पक्षियों का कूजन उसके ऊपर भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर का वादन तो समग्र वातावरण वन जो है परिपूर्ण हो गया परमानंद में ये वंशी ये जो बंगाल उड़ीसा से है बाकी बिहार प्रांत के ये लोग समझ सकते हैं मछली पकड़ने वाले को भी वंशी कहते हैं देखे होंगे गांव में लोग ऐसे मछली पकड़ते हैं ना क्या कहते हैं प्रो वंशी भी कहते हैं इस एक एक भक्त कवि ने कितना सुंदर उदाहरण दे दिया दे। देखे होंगे मछली पकड़ते हैं ऐसे मछली पानी में रहता है और यहाँ कांटे के सामने कुछ तो लगा देते हैं खाने का हाँ उससे वो पकड़ते हैं तो मछली पानी में सरोवर में तैर रहा है इतना मदमत है इतना इतना वो अपने पानी में तल्लीन है कि पकड़ में नहीं आते लेकिन वंशी जब आता है उसके सामने थोड़ा सा कुछ भोजन का रख देते हाँ हम इस जो है लगाते हैं उससे वो पकड़ में आ जाता है तो जीव जो है हम सब साधारण जो इस संसार में जो भौतिक संसार में जो जीव है इस भौतिक संसार रूपी पोखरी में पोखर तालाब में सब तल्लीन है किसमें इंद्रतुप्ति में अपने इंद्रियतृप्ति में सब लोग एब्जॉर्व हैं बुलाने पर भी क्लास में नहीं आते हैं मतलब इस्कॉन में नहीं आते हैं भक्तों के संग में नहीं आते हैं पकड़ में नहीं आते लेकिन जब बंसी की ध्वनि बजती है भगवान की बंसी की ध्वनि बजती है वो इसलिए बजाते हैं कि अब हम सुनेंगे आगे किस किस को वो आकर्षित किए उसमें ये साधारण जीव भी कहीं बंसी की ध्वनि सुन के आकर्षित हो जाए और ये ये देखा गया है प्राय सबको विशेष करके भक्तों को जितने भी वाद्य यंत्र है सबसे अच्छा लगता है वंशी हाँ या ना कभी सुने हैं कोई भी चाहे हरिप्रसाद चौरासी चाहे कोई भी बजाए हो बंसी जब बजाते किसी का भी ध्वनि आप सुने होंगे तो बहुत सुमधुर लगता है विशेष करके भक्तों को ऐसा लगता है जैसे अपने श्याम सुंदर ही बजा रहे हैं तो इस इस तरह से भगवान ने वेणु वादन किया तदवस्त्रीय आश्रित्य वेणुगीतम स्मरोदयम कश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ अन्वर्णयन उसके बाद क्या हुआ जब भगवान ने वंशी वादन किया वन बन में वंशी वादन हो रहा है वन में उसके ध्वनि कहां तक जा रहा है आपके राधा गोल्प तक भी आएगा उसके ध्वनि कहां कहां गुंज रहा है देखे जब 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 ब्रज के ग्राम की तरुण स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण के वंशी के गीत को सुना जो काम उत्पन्न करने वाला था ध्यान रखिए जहां भी काम शब्द प्रयोग होता है वो प्रेम है, प्रेम है काम, काम है थे। तो तो उनमें से कुछ स्त्रियां अपनी सखियों से एकांत एक में भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने लगी तो वंशी का वेणु ध्वनि जो है वो सुन के यहां जो लिखा है कि व्रजस्त्रीय ग्वाल बालों की गांव की स्त्रियाँ तो इससे हमें समझना चाहिए श्री राधा ललिता आदि सखियाँ और चंद्रावली आदि सखियाँ इनको वेणु का ध्वनि श्रवण सुनने को मिला और ब्रजस्त्रिय का और एक अर्थ है यशोदा भी यशोदा भी तो स्त्री है ना यशोदा आदि माननीय श्रेष्ठा मातृभाव वाले स्त्रियां उनको भी सुनाई दिया जो जिस भाव में है सखा हो सखी हो माता हो जो जिस भाव में है गाय हो भैंस भी हो भगवान के नौ लाख गाय में भैंस भी थे सिख सबको सुनाई दिया लेकिन सबके लिए अलग अलग स्वर था वो ध्वनि और इस प्रकार से सबको सुनाई दिया और तो यहां कहें कि कश्चित परोक्ष परोक्ष से अब सामने से तो नहीं बोल सकते परोक्ष से प्रत्यक्ष नहीं जब बंसी सुनाई दिया ये लोग घर में हैं अपने काम काज में हैं और भगवान ने वेणुनाद किया तो इनको सुनाई दिया अब देखिए इसी को पूर्व राग कहते हैं अब इसको बाद में कल परसों कभी चर्चा करेंगे लेकिन रसशास्त्र के अनुसार इसको थोड़ा सा व्याख्या करने के लिए समय लगेगा इसको उज्जवल नीलमणि में रूप गोसाई कहते हैं पूर्व राग क्या है और कैसे यह सुंदर वर्णन आता है लेकिन बस संक्षेप में समझने के लिए कि अभी वो माधुर्य में लीलाओं का प्रारंभ होने से पहले सबसे पहले ये वेणुवादन सुनाई दिया तो इसको पूर्वराग कहते हैं तो स्व सखी भी अनुबर्ण अर्थात अपने अपने सखियों को बताए तो इससे हमें क्या समझ में श्री राधा जी ललिता को बताए होंगे अपने अपने झुंड में जूत होते हैं ना अपने अपने सखियों चंद्रावली दी अपने सखियों के साथ बताए तो देखो 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 श्याम सुंदर का वेणुवादन तो गोपियों को अलग प्रकार से सुनाई दे रहा था आदि स्त्रियों को अलग प्रकार से सुनाई दे रहा था सखाओं को अलग प्रकार से सुनाई दे रहा था वृक्षों को अलग प्रकार से सुनाई दे रहा था बांसुरी का वादन एक है लेकिन जो जिस भाव में है उसको उसी प्रकार से सबको सुनाई दे रहा था पशु पक्षियों को अलग प्रकार से तद वर्णय तुम आरब्ध स्मरन्त्य कृष्ण चेष्ट नासक स्मर वेगे निक्षिप्त मनसो नृप हे राजन कौन किसको कह रहा है एग्जैक्टली exactly. गोपियाँ भगवान कृष्ण के विषय में बातें करने लगीं किंतु जब उन्होंने भगवान कृष्ण के कलापों को स्मरण किया तो हे राजन काम ने उनके मन को विचलित कर दिया जिससे वे कुछ भी न कह पाई क्या है कि देखिए एक बात तो है कि जब नंदनंदन छोटे अब याद कीजिए गोकुल में नंद नंदन छोटे थे है? छोटे से, दो तीन साल के थे इवन उससे भी छोटे तो श्री जी बरसाने में थी और ललिता सखी ऊंचा गांव में ये सब सखियां सब प्रकट हुई थी छोटे छोटे बच्चे तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने रानी को कभी देखा नहीं था या गोपियों को कभी देखा नहीं था हाँ या ना यहां जब जैसे वर्णन हो रहा है कि सबसे पहले बार जब भगवान ने वादन किया तो गोपियों के मन में काम जागृत हो गया या प्रेम जागृत हो गया तो क्या पहले वो नहीं देखे थे कृष्ण को क्योंकि ये भी सब अलग अलग स्थान में प्रकट हुए ना छोटे अवस्था में बच्चे जो होते हैं हम लोग भी जानते हैं बचपन में स्कूल में जब हम पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ये सब क्लास पढ़ते हैं तो बालक बालिकाएं अपने आपस में खेलते रहते हैं इतना उनके मन में उद्दीपन जागृत नहीं होता है वो बच्चे खेलते रहते हैं हम लोग भी लड़के लड़कियां सब साथ में खेलते थे लेकिन जब एक समय आता है अब शरीर का ही बनावटी ऐसी है एक आयु होती है एक समय आता है जब फिर संकोच लगने लगता है एह लड़की से बात करना है शर्म लगने लगता है वो अपने आप ही वो भी संकोच करती हैं और बच्चे भी लड़के भी संकोच करते हैं आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ आजकल तो बेशरम हो गए हैं लेकिन जो जो संभ्रांत परिवार से हैं आज भी जो संस्कारों को मानते हैं तो वो अपने आप को संकोच करते हैं थोड़ा बात करने में तो उसी प्रकार से बचपन में गोपियाँ और भगवान श्री कृष्ण का मिलन हुआ है खेले भी बहुत लेकिन यहाँ भी प्रोगंड अवस्था में लेकिन आप सुने हैं कई बार अन्य भक्ताओं से कि प्रोगंड अवस्था में भी भगवान कैशोर जैसा दिखते थे छः सात साल के हैं लेकिन दिखते थे दस बारह चौदह साल के मतलब वो गोपियों का भाव भी ऐसा था तो सबसे पहली बार माधुर्य क्या माधुर्य भाव का उद्दीपन वेणुगीत से होता है उससे पहले तो छोटे बच्चे थे तो इसलिए जब वो वेणुवादन हुआ उनके मन में यहाँ लिखा है स्मर बेगे न स्मर रूढ़ अर्थ जो है काम को कहते हैं लेकिन स्मर क्यों कहते हैं जिसका जिसके प्रति प्रेम होता है ना कोई भी व्यक्ति चाहे पति पत्नी हो दो मित्र हो पुरुष स्त्री हो जिसका जिससे प्रेम होता है वो चौबीस घंटा उसका ही स्मरण आता है मन में इसलिए इसको स्मरक कहते हैं चाहे वो बच्चा हो या अपनी पत्नी हो या अपने प्रिया हो या अपना मित्र हो प्रगाढ़ प्रेम जो होता है तो मन में वही आता है और वो क्या कर रहे होंगे कुछ हमेशा स्मरण आता है इसलिए वो स्मर तो यहाँ गोपियों के लिए तो शुद्ध प्रेम है निश्चित रूप से तो यहां ये सब गोपियों के मन में बात हुआ और फिर उसके बाद यहां कुछ भी नहीं लिखा है एक बहुत सुप्रसिद्ध श्लोक आ रहा है ना गोपी क्या करता कौन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक श्लोक कौन बोला है गोपी बोले हैं कि और कोई भगवान बोले हैं कि और कौन बोले हैं लेकिन आगे आ रहा है सात नंबर श्लोक से श्री गोपिया ऊंचू इस प्रेम की अवस्था में जो एक दूसरे से अपनी यूथ की गोपियों से बात कर रहे हैं उसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं सब लोग बोलिए बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है <ślesy> बरहा पीडम नटवरवपू कर्णयो कर्णिकारम विब्रद <ślesy> बासह कनक कपिसम वैजयंतिं चमाला रंध्रानेणोर अधर सुधया पूंदेर बृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राभिशद गीत की तो ये प्रसंग जो हम सुन रहे हैं जिसका शीर्षक है वेणुगीत क्या है ये वेणुगीत द मीनिंग ऑफ वेणुगीत किसने गाया है ये किसके लिए इसका नाम वेणुगीत शीर्षक है एक तो और कि वेणुना गानम हम लोग सब बड़े बड़े पंडित हैं संस्कृत के भाषा समझते ही वेणु के द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण ने गीत गाए श्री राधा आदि गोपियों का गोपियों को वर्णन करते हुए और एक है वेणोहों गीतों कि वेणु का गीत वेणु ही कुछ गा रहा है एक है कि वेणु के विषय में श्री कृष्ण गा रहे हैं यह भी वेणु गीत है और वेणु में श्री कृष्ण का गाया हुआ गीत यह भी वेनु गीत है और गोपियां श्री कृष्ण और वेणु बादक के विषय में गोपियां गा रहे हैं ये भी गीत है और गोपियों के विषय में विरक्त चुड़ो चुड़ामणि संत शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी गा रहे हैं यह भी गीत थे और श्री सुखदेव गोस्वामी का जो वर्णन किए हैं उसको समस्त श्रीधर स्वामी आदि सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी आदि शिल प्रभुपाद आदि आचार्य गण गा रहे हैं ये भी वेणुगीत है उनके मुखारबे से सुन के हम लोग कुछ चिटफिट थोड़े बहुत सुन रहे हैं बोल रहे हैं ये भी वेणुगीत है तो वास्तव में वेणुगीत है क्या किसको वेणुगीत कहते हैं किसने गाया ये गीत वास्तविक अर्थ है कि वेणुगीत जो है भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व राग जिसको कहते हैं प्रेम की पहली अवस्था उसमें जो वेणु के द्वारा ध्वनि प्रकट किए अपने प्रियाओं के लिए वो है वेणुगीत इसका अर्थ तो वही जानते हैं जो बजाने वाले और जो सुनने वाले ही जानते हैं हम नहीं जानते क्या गाय वेणु में क्या उनका भाव था गोपियों के लिए ये तो बजाने वाले ही जानते हैं आप पूछ लीजिए श्याम सुंदर खड़े हैं सामने और जो सुने हैं वही जानते हैं श्री जी से पूछ लीजिए क्या था वो वेणुगीत में हाँ इतना है कि गोपियों ने उस वेणुवादन को सुन के जो गाए भगवान के बारे में या उसका प्रभाव के बारे में वो वेणुगी तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी ये गोपियों के द्वारा जो अभी वो वन में गए नहीं अपने अपने घर में हैं अपनी अपनी सखियों से मिल रहे हैं लेकिन उनका जो वक्तव्य सुखदेव गोस्वामी अभी गा रहे हैं अपने मुखार से इसलिए इस श्लोक में जैसे मैंने कहा कि गोपिया गोस्वामी बोल रहे हैं गोपियों के गीत को सबसे पहले कहते हैं गोपियां अपनी आंखों से जैसे देख रहे हैं भगवान वन में स्मरण है ना भगवान के पास गोपियां नहीं है भगवान वन में है वेणुवादन की है उसका प्रभाव गोपियों को पड़ा गोपियां सुने और गोपियां अपने घर में अपने गांव में चाहे ऊंचा गांव में या चित्सखी चित्रा सखी जो है चित्सक चित्सोल गांव में या अपने बरसाने में जहां भी है वहां से वो बोल रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सबसे पहले के पीडम बरहा, बरहा का अर्थ है मोरपुं मोरपंख आपीडम जिसे सिर पर मोरपंख वो बरहंग मयूर आपीडम शिरोभूषणम भूषणम तादुरश मोरपंख लगाए हैं ये तो सुप्रसिद्ध है भगवान कितने सारे वेश धारण करते हैं कितना भी मुकुट पहन ले या पगड़ी बांध ले कुछ भी कर लेकिन मोर पंख तो रह गए प्रभु जी ने लगाया नहीं क्या मोर पंख धारण करते हैं तो ये है बरहा पीड़म फिर कहते हैं कर्णय हो कर्णिकारंभ कर्णय हो आप लोग भाषा का जानते हैं व्याकरण भी जानते हैं ये हो कौन से वचन में है एग्जैक्टली द्वि वचन में सप्तमी द्वि वचन में दोनों कान हैं। हो। करनिकारम। करनिकारम है कर्णयो फिर कर्णिकारम कर्णिकारम है पीतवर्णम उत्पलाकारम पुष्पम पीले रंग के कमल के समान एक फूल है उसको कान में धारण किए हैं फूल एक है लेकिन कान दो है <laughs> है ना? फूल एक है यहां बताया गया एक वचन में पीत वर्णम उत्पलकार पुष्प कर्णिकारंभ एक पीले रंग का फूल है और लेकिन कान है दो वचन में तो कान दो है कर्णों हो कर्णिकारंभ इसका अर्थ यह है कि ये कर्णिकार फूल का एक सुंदर वर्णन है यानी अभी संसार में हम देखते हैं कि नहीं सूर्य जब उगता है ना ये कर्णिकार फूल खिलता है ठीक है और सूर्य जैसे 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 सिर के ऊपर आता है और फिर धीरे 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 अस्ताचल में प्रवेश करते हैं तो ये कर्णिकार फूल भी सूर्य को समय कितना प्रेम है देखिए खिलते हैं और सूर्य जब अस्ताचल में प्रवेश करते हैं कर्ण कर्णिकार फूल जो है उस तरफ झुक जाती है और मुरझा जाती है ये, ये वर्णन है ये विशेषता है कर्णिकार फूल तो इसलिए यहां बताया गया है, जैसे सूर्य के साथ इसका लगाव है भगवान ने कुछ आचार्य कहते हैं सनातन गोसाई पाद की दोनों कानों में लगाए हैं लेकिन जीव गोसाई पाद और चक्रवर्ती पाद आदि कहते हैं एक ही है एक ही है कभी इधर लगाते हैं कभी यहाँ लगाते हैं कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ ऐसे लगाते हैं भगवान ये फूल है कर्णिकार फूल और इसको ऐसे लगाते हैं जैसे कर्णिकार फूल का सूर्य के प्रति प्रेम है ऐसे ही वो इंडिकेट करते हैं जीव गोस्वामी सांकेत्यम कहते हैं ये संकेत कर रहे हैं गोपियों को गोपियां अट्टालिकाओं के ऊपर निहार रहे हैं क्योंकि वो सामने नहीं आ सकते कहते हैं ना आपके भाषा में बालकोनी बालकोनी के ऊपर चढ़ के खिड़कियों से निहार रहे हैं देख रहे हैं और श्याम सुंदर जो है ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाते हैं तो कर्णिकार फूल कान में दे के मानो श्याम सुंदर इशारा कर रहे हैं कि आपके पति हमारा प्रेम है वो फूल ही संकेत है एक अर्थ तो ये है कि यशोदा माई नंद बाबा देखते हैं कि मेरो लाला कभी दाएँ पे दाएँ कान पे रखती है एक तब कभी बाएँ कान पे रखती ये क्या चल रहा है उनको समझ में नहीं आता है माता पिता बात्सल्य भाव है लेकिन गोपियां जो दिन भर कृष्ण के विरह में तरसती रहती है श्याम सुंदर के दर्शन के बिना उनके लिए ये संकेत है आप लोग जो ब्रजमंडल परिक्रमा किए हैं एक स्थान है सांकेत सांकेत बिहारी तो इस तरह से ये संकेत है क्या कि गोपियां मानो कह रहे हैं हे है श्याम सुंदर आप तो हमें छोड़ के जा रहे हैं लेकिन किस दिशा में जाएंगे लाइफ राइट right या लेफ्ट तो भगवान उनको उत्तर देने के लिए संकेत के रूप में अगर दाए कान पे वो फूल रख देते हैं तो गोपियां समझ जाएंगी अभी श्याम सुंदर इस तरफ जाएंगे और उसी को ही ऐसे उठा के बाए तरफ रख देते हैं ना तो भगवान गोपियां समझ जाएंगे आज तो श्याम सुंदर बाएं तरफ जाएंगे बाएं दिशा में क्यों क्योंकि कभी कभी समय निकाल के गोरस बेचने के बहाने सारे गोपियां चली जाती थी उस दिशा में ताकि श्याम सुंदर से मिलन हो और कुंज में सेवा हो लेकिन ये संकेत की भाषा नंद बाबा यशोदा ये सब समझ नहीं पाते हैं कि श्याम सुंदर कभी इस रखते हैं कभी इस तरह रखते कभी इस तरह रोकते कभी, कभी इस... ऐसा क्यों रख रहे हैं ये केवल गोपियों के लिए देखो कभी संकेत की भाषा होती है कि हिंदी में कहा होती है नजरों से नजर मुलाकात हो गई नजरों से नजर मुलाकात हो गई दोनों रहे खामोश फिर भी बात हो गई कहते हैं ना कहावत है वैसे ही श्याम सुंदर के नजर और संकेत को समझने वाले समझ गए इशारा ही काफी है लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि फूल क्यों ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ये सारे गोपियां इतने आनंदित होते अच्छा श्याम सुंदर अभी इस तरफ जा रहे हैं तो सबके मन में चलो सखी वहां जाइए जहाँ वसत ब्रजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज चलो सखी अपने आपस में बात करें चलो सखी हम जाएंगे कहाँ? जहाँ वसत ब्रजा जिस दिशा में ब्रजराज गए हैं तो क्या करेंगे गोरस बेचने के बहाने दूध दही माखन बेचने के बहाने एक पंथ दुई काज एक रास्ता है, लेकिन काज दो होगा एक तो गोरस बेचेंगे और ठाकुर जी का दर्शन भी होगा और ये लोग इतने मदमत हो जाते हैं तल्लीन हो जाते हैं बेहोश हो जाते हैं मदहोश हो जाते हैं दही बेचने में भगवान के श्याम सुंदर के रूप में कहते हैं दही दधी को नाम बिसर गई ग्वालिन ले लो रे कोई श्याम सलो ने बेचने जाते हैं तो क्या कहना चाहिए दही ले लो दही तो कहते हैं हरी ले लो हरी माखन ले लो माखन माखन नहीं आता है मोहन ले लो मोहन श्याम सुंदर ले लो गोविंद ले लो दही माखन दूध शब्द मुंह से नहीं आता है यही भगवान के नाम ही आता है तो इसलिए कहते हैं कि इतने वो तल्लीन हो जाते थे तो ये इशारा था तो श्याम सुंदर को श्रीजी आदि गोपियों को इशारा करना था क्योंकि श्याम सुंदर भी बहुत आतुर रहते हैं गोपियों से मिल कई बार कहते हैं गोपियों को हे hey गोपियां बस एक बार प्रियाजू के झलक दिखा दो एक बार बस दर्शन करना चाहते किसकी वर्षाणी वाली की तो इन लोगों में संधि होती है अच्छा ठीक है तो बता देते हैं कि इतने बजे इतने समय में आप रहिए और हम किसी तरह से किसी बहाने किशोरी जी को ले आएंगे तो अभी इधर बरसाने में ब्रसभानु बाबा और कीर्तिदा से मैया से श्री जी बात करती है थोड़ा सा हम यमुना के उस पार जाते हैं खेलने के लिए या पुष्प चयन के बहाने चले जाते हैं और योग माया के प्रभाव से पहले से ही गठबंधन मतलब संधि वगैरह होती रहती है कहां कैसे मिलेंगे मतलब कहते हैं है ना मैच फिक्सिंग पहले से ही हो जाता है बस एक, एक्टिंग चल रहा है तो जब लौटते समय शाम हो जाता है नहीं आ पाते हैं देखते हैं कि सारे सखी ललिता विशाखा श्याम सुंदर सब आ जाते हैं और जमुना किनार देखते हैं एक भी नाव नहीं है पाव पा, पार कैसे करेंगे अरे नाभिक सब बहुत जोर से पुकारते हैं कोई नाभिक नहीं है नाभिक रहेगा क्यों एक ही नाभिक है बाकी सबको छुट्टी योग माया के प्रभाव से या तो फिर आप समझ जाइए जो भी होगा एक ही नाविक है वो है श्याम सलोना बढ़िया से एकदम पकड़ी बांध के और नाभिक जैसा बेस डाल के तो गोपियाँ पूछते हैं अरे नाभिक यमुना पार कराओगे तो कन्हैया कहते हैं गोप नाविक के बेस में इसलिए तो खड़े हैं और क्यों पूछ रहे हैं भाई है किस लिए खड़े हैं एक भी नाव नहीं है तो आपको जाना है तो आइए तो कहते हैं ठीक है हम सब साथ में चलते हैं बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता तुम लोग जो ये दही माखन दूध इतना भर भर के मटके में लेके आई हो ये अगर सब लेके आओगे तो एक बार में टुप नौका तो डूब जाएगी ये सब नहीं होगा तो क्या करना चाहिए सबसे आसान तरीका है जितने भी दही माखन सब लेना सब मुझे ही दे दो मुझे भोग लगा दो मतलब मैं थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लूँगा बाकी थोड़ा जमुना में डाल दो तब थोड़ा हल्का जब हो जाओगे ना तब आप नाव पर चढ़ो या तो ऐसा करो नहीं तो एक एक करके आओ तो गोपियाँ बड़ा आश्चर्य हो गई। ये कौन कैसा ना भी के वो एक एक करके अगर हम पार करोगे तो आरती तो इधर ही हो जाएगी मतलब तो सुबह तो हम जा नहीं सकते तो ये जाके किशोरी जी से पूछते हैं ये कह रहे हैं कि सब दही माखन को खाली करो तब जाके नौका में बैठ सकते हैं अरे जल्दी करो शाम हो गई ये जाना है खिला दो उसको भुखमरी होगा कहीं खाया नहीं होगा बहुत दिनों से खाए तो दही माखन खिलाए तो ये तो चाहते ही थे दही माखन खाने बहुत भरपेट खाते हैं ऐसे जैसे वो करते हैं ना ऐसे वो थोड़ा हिचकी आता है उसके बाद फिर कहते हैं ठीक है आप लोग सब बैठ जाए नहीं बैठने से पहले एक कंडीशन है देखिए मेरा एक शर्त है इस शर्त को अगर मानोगे तब हम लेके जाएंगे नहीं तो आप फिर जाओ अपना देखो रात हो गई है बोले तो क्या शर्त है तुम में से जो सबसे सुंदर गोपी है ना उसके चरण प्रक्षालन करूंगा तब जाके नौका पे चढ़ाऊंगा मुझे भय लगता है ये जाके बोले सब ललिता आदि से किशोरी जो ये जो बारह चौदह पंद्रह साल का लड़का है पता नहीं इसमें ताकत है कि नहीं नौका चला पाएगा कि नहीं लेकिन ये कह रहा है कि आपके नहीं नहीं हम अपने चरण को किसको नहीं देते हैं कोई अपरिचित पता नहीं क्या कर देगा हम क्यों चरण अपना दे मना कर दो जाके तो जाके मना कर दे तो कन्हैया बोले ठीक है रहते नहीं तुम इधर ओवरनाइट करो हम तो चले तो ये लोग भी भयभीत हो गए अब जाना ही है तो वो जाके मनाते हैं ललिता आदि सखियां कहते हैं देखो मान जाओ कि सर जो मान जाओ भकत है तुम्हारा तुम्हारा ही भकत होगा तब तो चरण प्रक्षालन करना चाहते अच्छा ठीक है तो फिर आते हैं और श्याम सुंदर परमेश्वर पर ब्रह्म अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक श्री जी के चरण हैं क्या सौभाग्य है देखो राधे तेरी चरणों की एक धूल ही मिल जाए तो उसके बाद नौका पे चढ़ाते हैं उसके बाद वो तो पहचान जाते हैं ये नाविक नहीं है ये और कुछ है जब बांसुरी साहब देखते हैं तो।, तो इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं श्याम सुंदर गोपियों को कहाँ किस तरफ जाएं? फिर आगे कहते हैं कि कनक कपिसंग बास कैसा है उनका वस्त्र घने बादल में बिजली जब चमकती है कैसा दिखता है वो ऐसे ही शाम सुंदर सलोना के सुंदर रूप में पीताम्बर धोती और उत्तरी ये ये उनका वास है पीताम्बर फलाद और ओर उस प्रकार से अभी कहते हैं कि क्या है और वैजयंती माला वैजयंती माला गले में तुलसी बनमालांद मंदार पारी जाता हूं सरोह पांच प्रकार के फूलों से वैजयंती माला बनती अलग अलग सरोरुह मतलब कमल इस प्रकार से पांच प्रकार से माल से माला बनती है इसको विभ्रत धारण करके फिर नटवर बपू ये नटवर बपू इसके ऊपर तो सुंदर बहुत 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 व्याख्या हुआ इतना समय नहीं।, नहीं थोड़ा सा संक्षिप्त सुनिए कितना सुंदर व्याख्या है नटवर बपू भगवान का नाम है सनातन गोस्वामी कहते हैं नत, असौ। नरस्च तद्वत विचित्र वेश बपू। सनातन गोस्वामी तो कहते हैं नट नर बपू नटवर है लेकिन नट नर वपु। किसे एक एक अर्थ देखिए कि जिन जो नट हैं जो नाचने वाले हैं जो हमेशा नाचते हैं लेकिन स्वरूप कैसा है नर मनुष्य आकार है भगवान का स्वरूप कैसा है नर है ऐसा वपु जिनका शरीर है और जीव गोस्वामी बहुब्रीह समास लगा के उसका व्याख्या करते हैं कि उसमें अभेद है नटवर बप्पू शब्द और व्यक्ति में वो चलते फिरते डांसिंग बॉय हैं तो क्यों नर वाय नर इसका अर्थ कहते हैं नटवर नर क्यों तो वो कहते हैं सनातन गोस्वामी की देवताएं अलग अलग प्रकार के वस्त्र परिधान करते हैं देवताएं इतने सौंदर्य हैं इतने अपुलेंट हैं कि अलग अलग प्रकार के वस्त्र परिधान करते हैं इसलिए वो नट है नट नर है नट है लेकिन मनुष्य लोग ऐसे नहीं करते हैं महाराज श्री कह रहे थे मनुष्य लोग क्या करेंगे ऑफिस में जाएंगे तो जीन पेन पेंग, टी शर्ट पहन लेंगे घर में आएंगे तो लुंगी बनियन इतना ही पहन सकते हैं लेकिन देवता लोग अलग अलग समय समय पर अलग अलग, अलग वैरायटी के ड्रेस पहनते हैं तो इसी प्रकार से यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है नटवर बपू हैं और आप यहाँ भी देख सकते हैं राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम में एक दिन में कितनी माला चढ़ती है जानते हो आप एक दिन में सैकड़ों मालाएं चढ़ते हैं अपने कृष्ण बलराम मंदिर में वैसे ही नित्य लीला में श्याम सुंदर को अलग अलग भक्त मालाएं पहनाते रहते हैं बस एक डाले तो दूसरे एक डाले तो दूसरे ऐसे तो उनका वेश जो है हमेशा सुंदर और एक डांसिंग मूड में कहते हैं नटंती हर्ष भरेण नृत्यंती नट जो खुद नृत्य करते रहते हैं और दूसरे को नचा देते हैं जब भी आप देखेंगे श्री कृष्ण को कब भी सीधे नहीं खड़े रहते हैं अब देखिए पुजारी जी कह रहे थे बहुत टेढ़े हैं सामने ही देखिए इतना ग्रीवा को करके रखे हैं कि कई बार पुजारियों को श्रृंगार करने में कुर्ता पहनाने में समय लगता है बलराम जी को तो बड़े सीधे साधे पहना देते हैं तो ये हमेशा वो नाचते हुए इस पोज में रहते हैं और नटवर्क के संपर्क में जो आते हैं वो भी डांसिंग करने लगते हैं वो भी नृत्य करने लगते हैं सभी जो भी आते हैं ऐसा रूप जो है भगवान का और किसी में नहीं है ना मत्स्य में ना कच्छप में ना बराह में ना नृसिंह में ना परशुराम में ना राम में है ना कलकी में है ना बुद्ध में है ऐसा सुंदर नाचने वाला रूप और कहीं नहीं है इसलिए नटवर नृसिंह भगवान क्या नाचेंगे सीधा फाड़ दिए उनको के डर के भाग गए वहाँ कोई डांसिंग नहीं हुआ था कच्छप भगवान पहाड़ को लेकर डांसिंग नहीं कर रहे थे परशुराम जी क्या नाचेंगे उनको देखते ही लोग डर के मारे भागते थे परसुले के बाद इवन श्री राम भी मर्यादा पुरुषत्व में तो उनका ऐसे नाचने का पोज कभी हमने सुना नहीं ना देखा है है ना कहते हैं ना कि राम कृष्ण दो एक है अंतर ना ही निमेश दोनों एक ही हैं मनुष्य आकार भगवान का स्वरूप है राम कृष्ण दो एक है अंतर नाहि में निमिष मास में अंतर नहीं है उनके नयन गंभीर है और इनके चपल विशेष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नयन तो गंभीर मुद्रा में और ये श्याम सुंदर जो हैं देखते एक को है सोचते दूसरे को है बात करते हैं तीसरे को ऐसा ही उनका स्वरूप है तो नटवर बपू और एक अर्थ यह भी है कि नट शब्द का अर्थ है भगवान श्री भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी भगवान का एक नाम है नटराज सुने होंगे ना नटराज नाचने में भगवान शिव बड़े प्रसिद्ध हैं लेकिन ऐसा नाच, नाच सकते हैं कि कोई एक रहता नहीं सब प्रलय हो जाता है एक है नटराज दूसरे नटवर तो नट शब्द का अर्थ है कि भगवान शिव और वर का अर्थ है श्रेष्ठ भी है वर का अर्थ है पति स्वामी जैसे कहते हैं वर वधु तो यहां नटवर बपू तो ऐसा भगवान का सुंदर रूप है श्याम सुंदर का कि नट भी नाचने वाले में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव भी वरण कर लेते हैं उनको बोल गोपीश्वर महादेव की देखें कभी वृंदावन में हर दिन शाम को गोपी वेश होते हैं बहुत सुंदर दर्शन होता है गोपी गोपी वेश में गोपी सुर महादेव आज भी जब रास में प्रवेश किए तो भगवान का इतना सुंदर रूप को देख के वो तो गोपी वेश में उनको बना दिए गए हाँ और भगवान सुंदर श्याम सुंदर का रूप को देख के और वेणुवादन को सुन के अपना स्वरूप में आ गए भगवान शिव जो गोपी बने थे त्रिलोचना गोपी और अचानक डब 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 डम्बरू बजने लगा तो पूरे रास में बोले भगवान सोचने लगे यहाँ तो पखावज बजने वाले हैं यहाँ तो बेणा बीणा बजने वाले हैं इस यहाँ तो मुरदंग करताल ये डमरू वाले गोपी भी कहाँ से आ गए और तब तक भगवान शिव का पल्लू जो घूंघट है थोड़ा सा ऊपर हट गया तो श्याम सुंदर देख रहे अरे भोलेनाथ बाबा आए हैं तुरंत गए और गले लगा लिए जय हो बाबा आज तो सार्थक हो गए आप हमारे रास में प्रवेश कर गए बोलिए क्या चाहिए बस नित्य ब्रजवास आपका धाम में हमारे बास आपके धाम रक्षक आज भी हैं देखिए गोपीश्वर महादेव के रूप में तो नटवर बपू इस प्रकार से हैं कि भगवान शिव भी जिनके सौंदर्य के प्रति आकर्षित होके वरण कर लिए जिनको और नट तो है ही और नट नाचने में सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं अरे सांप के ऊपर भी नाच के दिखा दिए स्टेज में तो सब लोग नाचते हैं थोड़ा सांप के ऊपर नाच के दिखाओ एक सांप भी इधर आ जाएगा सब भाग जाएंगे हम सांप छोड़ो सांप का पिल्लू भी आ जाएगा तो तो इस प्रकार से भगवान कालिये के ऊपर नाचते हैं सर्वश्रेष्ठ नाच नृत्य और कई प्रकार से नृत्य करते हैं तो अंत में यहाँ हम विराम देंगे बस यही कहेंगे कि भगवान का इतना सौंदर्य रूप जो है नटवर बपू इसको देख के गोपियां कंप्लेन किए ये सुंदर लीला को कह के विराम देंगे क्या कंप्लेन सुनिए गोपियां आई कई गोपियां थी उसमें से एक गोपिया है बस ऐसे तो उनको बहाना था देखने की कंप्लेन तो एक बहाना था लेकिन एक्चुअली उनको देखना था इस नटवर को आके बोली मैया ओ मैया ये देखो तुम लाला कितना बदमाश है कितना नटखट है आके हमारे घर के सारे दही माखन सब कुछ लुटा दी खुद खाई बंदरों को भी दिया और फोड़ के चले गए ये हमेशा करता है ऐसे तो यशोदा बोले कन्हैया ऐसे देख रहे हैं तो ये साड़ी के पल्लू के पीछे छुप गए हैं ऐसे छुप जाते हैं कन्हैया अब कन्हैया एक बार किसको आंखों से आंख देख लेना तो उसका सारा जो है जो जो बोलने आई थी वो भूल जाते हैं क्या बोलने आई थी क्या कंप्लेन करने के लिए सब भूल जाते हैं तो एक बार श्याम सुंदर जो है यशोदा मैया के साड़ी के पीछे से थोड़ा सा हटके देखे और उस गोपी की ओर देखे क्या बोलने आई है थोड़ा बोल के देख तो एक बार जब उस गोपी ने श्याम सुंदर के आंखों में देखी तो बिल्कुल भूल गई क्या बोलने के लिए आई थी उसके बात बड़बड़ाने लगे तो कन्हैया कहते देख मैया देखो बोल भी नहीं पाती देख 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 शिकायत करने आई देख, देख देख बोल भी नहीं पाती है जानती हो क्या करती है मैं तो बेचारा अपना गाय चराने जाता हूँ बछड़े चराने जाता हूँ ये बुला लेती है आओ छचिया भर छाछ में नाच नचाए गोपाल मित्र छाछ देंगे और माखन देंगे थोड़ा नाच के दिखाओ और मैं तो छाछ माखन को बहुत प्यारे लगते हैं तो छाछ माखन खा के मैं नाचता हूँ तो मुझे देखिए ये भी नाचती है जब नाच के दिखाओ तो सही में गोपी जो है यशोदा के सामने नाचने लगती है मैंने इनके नाच को देख के नटवर को देख के वो भी नाचने लगती है तो ये इतने प्रभावित हैं सौंदर्यवान है कि इनके संपर्क में जो भी आता है सारे के सारे नाचने लगते हैं ये है नटवर बपू और यही जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं बस क्या कहना और कभी चलते भी नहीं थे हमेशा नृत्य 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 और संगीत और इनके आंदोलन में जो भी आते हैं भले हम गुरु पूजा में किसको खींच ले लेकिन सब लोग नाचने लगते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम, राम 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 हरे हरे ये नाचने गाने का आंदोलन है और यहाँ ये आनंद का प्रतीक है तो भगवान श्री कृष्ण नाचते हैं चैतन्य महाप्रभु नाचते हैं और हमें भी नचाते हैं तो आगे हम सुनेंगे अधर सुधया वेणु ये जो वेणु का ध्वनि था इसका प्रभाव पूरे चौदह भुवन में हुआ थोड़ा सा ट्रेलर दे देते हैं व्याख्या कल इंद्र रंभा उर्वशी ब्रह्मा ब्रह्मचारी चार कुमार शंकर भगवान और, और और तमाम जितने हैं पूरे चौदह भवन में उसका क्या प्रभाव हुआ हम कल सुनेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथराज भागवत महापुराण की शील प्रभुपाद की श्री वेणुगीत की निताई गोर प्रेमानंदे